एजुकेशन इन G20 कंट्रीज़, इस उनवान पर इस पैनल डिस्कशन के की इब्तिदा से पहले मैं दो तीन जुमले CPDMT से मुतालिक कहना चाह रहा हूँ। सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ उर्दू मीडियम टीचर्स, ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का एक टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर है और इस ट्रेनिंग सेंटर का मकसद उर्दू मीडियम स्कूल्स और कॉलेजेस के टीचर्स की ट्रेनिंग करवाना है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं। गेस्ट्स के लिए एक शॉर्ट रिपोर्ट पिछले साल भर की एक्टिविटीज़ की हमने पेश की है, मैं उसका खुलासा दो तीन जुमलों में आपके सामने पेश कर देता हूँ। 2007 में इस सेंटर का क़याम अमल में आया और अब तक जो है 100 से ज़ायद प्रोग्राम्स ये सेंटर करा चुका है। बिलखसूस लास्ट ईयर हमने एक लंबी सीरीज़ 12 प्रोग्राम्स की टेमेरिस के साथ की, उसके अलावा ऑनलाइन में 6 प्रोग्राम्स हमने किए और उसके अलावा ये जो सदर्न इंडिया के 8 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र से लेकर केरला तक, ये स्टेट्स के उर्दू मीडियम टीचर्स की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी इस सेंटर को दी गई है। तो बीदर में, औरंगाबाद में, गजवेल में, करीमनगर में हमने प्रोग्राम्स किए। इन प्रोग्राम्स के लिए कुछ फंडिंग यूनिवर्सिटी की जानिब से हुई और कुछ फंडिंग जो है वो अलग अलग स्पॉन्सर्स जो थे, जैसे एक प्रोग्राम जैसे मैंने कहा कि टेमेरिस के टीचर्स के साथ हुआ, एक प्रोग्राम US कॉन्सुलेट के साथ हुआ, एक प्रोग्राम अलहक एजुकेशन सोसाइटी के साथ हुआ, एक प्रोग्राम रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की जो इंडियन विंग है उनके साथ हुआ और इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने किए जो ऑफलाइन मोड में थे। ऑनलाइन मोड में इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर IMC की जानिब से, उनकी मदद से, उनकी इस्तेआनत से हमने प्रोग्राम्स किए। कुल 5 प्रोग्राम हमने 5 रोज़ा वर्कशॉप्स मुख्तलिफ उनवानात पर, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट पर, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस इन क्लासरूम पर और उसके साथ साथ डेवलपिंग थिंकिंग स्किल्स, डेवलपिंग लर्निंग रिसोर्सेस, ये सारे प्रोग्राम्स IMC के मानू के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। ये प्रोग्राम्स, इनके 5 दिनों के सेशंस जो हैं वो न सिर्फ ये कि जिन टीचर्स के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किए गए थे उनके लिए कारामद हैं, बल्कि आज ऑडियंस में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के और दूसरे हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, MEd के स्टूडेंट्स हैं, BEd के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये प्रोग्राम्स बहुत कारामद हैं। तो इस मुख्तसर सी तफसील के बाद मैं माइक जो है प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब के हवाले करता हूँ कि वो डिस्कशन स्टार्ट करें। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अब्दुल समी सिद्दीकी साहब, डायरेक्टर CPDMT, कि आपने मुझे ये मौका इनायत फरमाया। हाजरीन, एक बार फिर मैं तहदिल से अपने मेहमानान का इस्तकबाल करता हूँ। आई एक्सटेंड माई होल हार्टेड वेलकम टू आर गेस्ट्स। द लिस्ट ऑफ द गेस्ट इंक्लूड्स प्रोफेसर नजमुल हसन साहब, देन थॉमस मैडम एंड प्रोफेसर अमीरुल्ला खान साहब। सभी तीनों मेहमानान का एक बार फिर इस्तकबाल। यहाँ पर आप लोग तशरीफ़ लाए, जैसे कि कहा गया, बहुत शॉर्ट नोटिस पर और रमज़ान शरीफ में रोज़े का अहतमाम करने के बावजूद आपने ज़हमत उठाई, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपका इस्तकबाल भी करता हूँ। जैसा कि ऐलान किया गया है, दिस इज़ लाइक अ पैनल डिस्कशन और हमने रिवायत से थोड़ी बगावत करने की कोशिश की। As such, there won't be any speeches here today. We shall discuss, and our audience will, the session will be kept open for them also. They can also join by asking the questions or expressing their views. जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर students भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ पर deans, directors, HODs, professors और faculty members मौजूद हैं। उन्हीं के साथ साथ तलबा की एक बड़ी तादाद भी हम यहाँ पर देख रहे हैं और तलबा को उस वक्त मज़ा आता है जब उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, तो ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो सबसे पहले हम तलबा से ही स्टार्ट करते हैं। G20 कंट्रीज़, हाल ही में एक ज़बरदस्त तब्दीली इसमें आई है। पूरे मुल्क में एक बड़ा सेलिब्रेशन का माहौल रहा है ना? तो वो कौन सी खुशखबरी है जो G20 को लेकर सारे मुल्क में जिसकी वजह से खुशी मनाई गई?
What's that? जी, हिंदुस्तान को उसकी सदारत के अहदे पर फायज किया गया. वेरी गुड, बहुत अच्छे. तो एक ऐसे मुल्क में जिसको G20 ग्रुप का इस वक्त प्रेसिडेंट होने का शर्फ हासिल है, वहाँ पर ये इवेंट हो रहा है, तो उसके माने मानवीयत और बढ़ जाती है. आप तो जानते हैं कि ये ममालिक का एक जोड़ है, एक ग्रुप है, और ग्रुप जो है आमतौर पर बाहमी तआवुन के लिए, म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए होता है. लेकिन इस G20 का जो म्यूचुअल कोऑपरेशन है वो एक ख़ास चीज़ पर बेस्ड है. एक ख़ास फील्ड में कोऑपरेशन किया जाएगा ये बात तय हुई थी. वो ख़ास फील्ड कौन सा है? पॉलिटिक्स है, वैल्यूज़ हैं, रिलीजन है. व्हाट्स दैट फील्ड इन विच म्यूचुअल कोऑपरेशन इज फोकस्ड ऑन? और स्टूडेंट्स, बहुत तेजी के साथ बताइए जी. फाइनेंशियल पॉलिसीज, ओके. इकोनॉमिकल फोरम, ठीक. तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें बतौर खास तआवुन किया जाएगा, एक दूसरे की मदद की जाएगी, बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जाएगी. अब इसी के साथ हम अपने एक्सपर्ट्स की तरफ रुजू होते हैं. मैंने इकोनॉमिक्स का लफ्ज़ आप लोगों से लिसिट किया है, और आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट प्रोफेसर अमीरुल्लाह खान साहब मौजूद हैं. सर, आपका बहुत इस्तकबाल. बिफोर वी स्टार्ट एक्चुअली ऑन फोकसिंग अपॉन एजुकेशन, मे आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ हाईलाइट व्हाट वाज़ द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस G20? जी जरूर. आप लोगों को सुनाई दे रहा है? थैंक यू. From I think this mic is very powerful. Yeah. तो thank you very much, समी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम जलसे में हम लोगों को दावत दी, मुझे खसूस. यस, थैंक यू. सो मैं सिद्दीकी साहब के सवाल का डायरेक्ट जवाब ये दूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा, थोड़ी सी रीसेंट हिस्ट्री की तरफ ले चलूं. G20 का आगाज़ जो है वो होता है 25 साल पहले, और 25 साल पहले 1998-99 में दुनिया की के क्या हालात थे. ये इंटरनेट का बूम पीरियड था. बिल क्लिंटन 8 साल से प्रेसिडेंट रह चुके थे. अमेरिका बहुत तरक्की कर चुका था, बहुत ज़्यादा. अमेरिका में और सारी दुनिया में बहुत सारा फ़र्क हो गया था. उन 1980 के दहे तक दो ब्लॉक्स थे, वो दोनों ब्लॉक बिल्कुल एक जैसे थे. अब बिल्कुल सारा रुझान वो अमेरिका की तरफ हो गया था. और टेक्नोलॉजी इस तेज़ी से बढ़ रही थी और इस रफ्तार से एक तरफ होती जा रही थी कि वो समझ ही में नहीं आ रहा था दुनिया को कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं. टेली कम्युनिकेशन, हवाई जहाज, इंटरनेट, इन सब चीज़ों से एक नई दुनिया कायम हो रही थी. और इसमें ये शक था कि शायद इकोनॉमी में कुछ ऐसा हो जाए जिससे इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाए. और 1997 में एक बड़ा झटका पड़ा था दुनिया की इकोनॉमी को, जिसकी वजह से ये जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है इसमें एक बहुत बड़ी क्राइसिस आई थी. 97 में ये जो बड़े मुल्क थे जो बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रहे थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ताइवान, कोरिया, ये सब कंट्रीज़ में इतना शॉक हुआ कि वो आज तक नहीं संभल पाए. तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ कि हम ऐसा एक इदारा बनाएं जो सारी दुनिया के जो शॉक्स हैं उनको किसी तरह से कुशन करे. ये ना हो कि एक मुल्क में अगर बहुत बड़ा शॉक हो तो उससे सारी दुनिया परेशान हो जाए. और होता है ये ऐसे. आप देखिए 2008 में G20 के बाद भी जो G20 की सबसे बड़ी नाकामी रही है कि बनने के 10 साल बाद भी इतना बड़ा शॉक हुआ जिसको यूरो क्राइसिस कहते हैं, जिसकी वजह से हम आज तक नहीं संभल पाए. थोड़ा बहुत संभल रहे थे कि कोविड भी आ गया. तो G20 का मकसद ये था कि इस तेज़ रफ्तार की बदलती दुनिया में जहाँ हर मुल्क दूसरे मुल्क
के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब जो 195 मुल्क हैं वो सारे हर एक से कुछ खरीदते हैं या कुछ बेचते हैं, तो अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ होती तो वो बाकी सारे दुनिया में फ़र्क पड़ता है उसका। इस वजह से ये था कि हम कुछ इस तरह से करें कि सारी दुनिया की जिम्मेदारी वो सबके पास हो, और खुसूसन उन मुल्कों के पास हो जिनके पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ताकत। इसीलिए ये G19 कंट्रीज साथ आए। आप देखिए कि G20 में एक ही गरीब मुल्क है, वो हमारा मुल्क है, बाकी जो 19 मुल्क हैं वो बहुत अमीर मुल्क हैं, यूरोपियन यूनियन सारा, अमेरिका, जापान, हमसे जो थोड़ा बहुत कहीं आसपास है वो चाइना और ब्राज़ील है, वरना बाकी ये सब बहुत अमीर मुल्क हैं। तो जिम्मेदारी इनको दी गई कि आप ये देखें कि दुनिया अगले 100 साल में एक स्टेबल दुनिया रहे, जिसकी वजह से गरीबी और जो इकोनॉमिक शॉक है वो कम से कम। तो ये कॉन्टेक्स्ट जी। थैंक यू सो मच, वंडरफुल। जैसा कि अभी बयान किया गया कि जो इकोनॉमिक फील्ड में जो क्राइसिस का शिकार दुनिया हो रही थी, उससे किस तरीके से महफूज किया जाए और इकोनॉमी को किस तरीके से पावरफुल बनाया जाए, यह बुनियादी मकसद था G20 ग्रुप फॉर्मेशन का। इसमें एक बहुत अहम मुल्क के तौर पर जो मुल्क शामिल है, जो कभी USSR कहलाता था और बाद में डिवीजन के बाद अब रशिया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारी खुशकिस्मती है कि प्रोफेसर नजमुल हसन साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो रशिया में रह चुके हैं, जिन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट वहाँ से की है, और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आमतौर पर यह कहा जाता है कि हमारे यहाँ भी जो फायर प्लानिंग सिस्टम आया, तो पंडित नेहरू रशिया की जो प्लानिंग सिस्टम था और वहाँ का जो फायर प्लान या जो भी प्लानिंग सिस्टम था उससे बहुत मुतासिर थे और उसके असर में यहाँ पर कायम किया। लेकिन हमने देखा कि एक ज़माने में बहुत पावरफुल कहलाने वाला वो मुल्क बाद में वो अपनी इकनॉमी को संभाल नहीं पाया, और 1990 में जो कैफियत हुई वो सबके सामने आई। उसके बाद भी वो ग्रुप जो है वो G20 का हिस्सा है और अपना एक रोल अदा करना चाहता है। तो अभी जैसे कहा गया कि अमेरिका भी उसमें शामिल है और बहुत सारे ममालिक शामिल है और सबकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, इस कॉन्टेक्स्ट में रशिया का क्या रोल हो सकता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और जवाब भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। रशिया जब 89-90s में जब पूछ हुए और सोवियत यूनियन ब्रेकडाउन हुआ है जी, जब आप देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स थे रशिया में, किसके वजह से वो कोलैप्स हुआ है, राइट? और अगर आप देखेंगे, रूसी लोग बहुत तरक्की किए हैं साइंस के मैदान में, स्पेस या जो भी, जब कोई एक चैलेंज आया अमेरिका से जी, वो उस पर गए। जैसा स्पेस रेस जब शुरू हुई, शुरू में रशियंस बिल्कुल पीछे थे, लेकिन पहला जो स्पुटनिक जो था वो रशियंस था जी। पहला जो एस्ट्रोनॉट जो काट रहा, जो चक्कर काट रहा था, वो यूरी गगारिन पहला था। तो वो देखते देखते बहुत आगे आगे, और सब में बड़ा प्रॉब्लम जो कोलैप्स हुआ रशिया का वो था कि वो पूरे दुनिया से कट कर विद इन उनकी टेरिटरी में काम कर रहे थे, और उनकी टेरिटरी बहुत बड़ी थी जी, और आइसोलेशन में जो भी काम किए, जो भी डेवलपमेंट, जो भी टेक्नोलॉजी, अमेरिका के साथ यूरोप जुड़ा हुआ था, सारी दुनिया जुड़ी थी, लेकिन रशियंस आइसोलेटेड थे। और ये एक अहम चीज़ है, कोई भी नेशन के अगर तरक्की होना है तो उनको जुड़कर मिलकर काम करना चाहिए। तो बेसिक कोलैप्स उनका ये आया कि उनका जितना भी एफर्ट जाता था वो खुद से डेवलप करने में गया, टेरिटरी को कंसोलिडेट करने में रहा, और उनकी आइडियोलॉजी को जो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव थी, ऑप्रेसिव थी, उसको सपोर्ट कर रही थी। तो अंदर से भी कुछ ऐसे फोर्सेस निकले जो उसके ख़िलाफ़ गए, और वो बेसिक उनका कोलैप्स का वो था। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था वो एक न्यूट्रल मिडिल पाथ जी एक्सेप्ट कोशिश किया कि नॉन अलाइन मूवमेंट का इस्तेमाल करेंगे, कि सोवियत यूनियन के साथ भी रहेंगे और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी जुड़े रहेंगे जी, और वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था और उससे हमारी बहुत तरक्की भी हुई है जी। इंडिया को सपोर्ट बहुत रहा है रशिया से, और हमारा जैसा अभी भी आर्मी जो है वो पूरे रशियन
टैंक्स और जी जी सपोर्ट के साथ है, और बड़ी जो इंडस्ट्रीज भी जो डेवलप हुए थे HAL और वो सब रशियन सपोर्ट के साथ हुए थे। और रशिया ऐसा मुल्क था जो इंडिया से रुपये में ट्रेड करने तैयार था। अच्छा। उनके लिए पैसा रुपये का कोई वैल्यू थी नहीं जो उनके पास रखा रहा, लेकिन वी कुड ट्रेड विद देम इन रुपी व्हाइल यूरोप एंड अदर नेशंस कुड डू इट। और ये हमको बहुत काम आया। और अभी भी हम जब फिर पोलराइजेशन हो रहा है जी, अभी भी इंडिया बहुत केयरफुल है कि रशिया को किट से दूर हटे और उनके साथ जुड़ जाए। ओके, यानी आपका ये कहना है कि रशिया की जो एक तरीके से कह देखा जो धचका पहुंचा रशिया को वो ये कि पॉलिसीज कितनी ही अच्छी हो, लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, उन पर एक तरह से इम्पोजिशंस किए गए, एक बात। और दूसरी बात ये कि कॉन्फिडेंस में लिए बगैर इम्प्लीमेंटेशन किया गया। और दूसरी बात ये कि इंटरनेशनल फोरम पर जैसा कोलेब्रेशन होना चाहिए था दुनिया के बाकी ममालिक से, वैसा बरता नहीं गया था, वो भी एक बड़ी वजह रही। तो अब क्या उसका रोल हो सकता है, वो आपने बताया कि उसके बावजूद भी आज भी उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन मतलब इस तरह की है कि वो और मालिक में अपना रोल अदा कर सकता है। ये मैं समझता हूँ कि आपकी गुफ्तगू का हासिल है। थॉमस मैडम, यू आर विद अस एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव विद यू विद अस। अमेरिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और सब एवरीबडी नोज वेरी वेल दैट it's leading in so many fronts, but then in between sometimes we heard the sentences like America is for Americans, pardon the last part, USA is for only the people of USA. That was a slogan given by former president, and many people got attracted towards it. In that scenario, what's the general ideology of that country, and how you can play the role in developing the economy of other countries? Well, first of all, I'd like to thank you for inviting me to this panel. Assalamu alaikum, everybody. I hope your Ramadan's going very well. In reference to your question, back in November, I gave a presentation on international education opportunities with a focus on universities in the United States, and how the United States has been playing a role in helping the world economies, I believe. Based on what I have read and my understanding of it, is that we offer opportunities for education to all people around the world. We have the most international students we have are from China, okay, and then India. Okay. And that's obviously because they have the largest populations between the ages of 20 and 29. So we admit them. The problem though, and even for Americans, such as myself, is education in the United States is very, very expensive. It's okay. Ridiculously expensive. Okay. For example, a year at Harvard is about $55,000, which is about, what, $45,000 max, something like that, if I'm doing my math right? And that's part of the issue. It's a hindrance not only to those who are not Americans, but to Americans as well. Thankfully, Americans are able to get student loans, but as you know, we have an issue right now with student loan debt. A lot of Americans themselves, such as myself too, I owe money for my education. So I think the fact that, depending on who ranks these universities, if it's coming from a United States source, we have the eight best universities in the world. It's from a US source, it's biased. If it's from a British source, we have six or seven best universities in the world. Yeah. What makes it the best part of it is that we have up-to-date facilities, labs, research, technology, but it all comes at a cost. How we can help is by providing that education, and in the program I'm in. For example, my US government is paying for me to be here and to help our students to gain communication skills or to improve their communication skills in English for job opportunities. So we have those diplomatic ties as well with other countries that I believe helps in our students, for example, ones here, or other, because fellows such as myself, we're all around the world. But sadly though, India only has five, which I find very surprising for a country of 1.3 billion people. Uzbekistan has more, six fellows, which I don't understand, but I understand we have a lot of language programs the US provides here in India as well. So I think diplomatically, we're trying to help all countries to provide a diplomatic tie.
Also, our education system is one of the best in the world, if not the best, but it's expensive. And that is a hindrance to everybody. I hope that answered your question. Thank you so much, thank you. You're welcome. So, from the answer she's given, आप लोग सब समझ सकते हैं कि तरीके से कि वो किसी एक इंडिविजुअल का नारा हो सकता है लेकिन सारे अमेरिकन उसको सपोर्ट नहीं करते हैं कि अमेरिका इज ओनली फॉर अमेरिकन्स, लेकिन वो अपना रोल जो है सारी दुनिया में प्ले करना चाहते हैं, प्ले कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, और उनका इवैन सामने आया कि मुस्तकबिल में भी वो अदा करते रहेंगे। प्रोफेसर अमरुल्ला साहब, आपसे एक बात ये पूछनी थी कि एजुकेशन सिस्टम एज ए होल हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ मैदानों में काफ़ी तरक्की हो रही है और ज़ाहिर है कि वो तरक्की इंसानों की मरहूम मिन्नत है। अच्छे इंसानी वसाइल तैयार होंगे तो वही लोग फील्ड में काम करेंगे और सारे मैदानों में तरक्की होंगे। हम देख रहे हैं कि तरक्की तो हो रही है लेकिन इसी के साथ साथ तरक्की के जो फ्रूट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहे, एक बात। दूसरी बात ये कि मटेरियलिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बस लोग जो है वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे सिनारियो में लोगों के पास कोई ख़ास मकसद हयात, एम इन लाइफ नज़र नहीं आता, एक ऐसा एम जिसको लेकर जिए और जिसको लेकर लोग मरना चाहें, ऐसा कोई एम लोगों के पास नज़र नहीं आता। क्या ग्लोबल लेवल पर ऐसी कोई पहल है कि तालीम के ज़रिए से, तालीमी सिस्टम को ऐसा मैनेज किया जाए कि उसके ज़रिए से इंसान को अपना मकसद ज़िंदगी सिखाया जाए और उसके उस मकसद के लिए मरना और जीना सिखाया जाए? इसलिए कि कटी पतंग की तरह से लोग दौड़े चले जा रहे हैं, पता नहीं किस तरफ दौड़े चले जा रहे हैं, लेकिन दौड़ तो है लेकिन किस तरफ है लोगों की समझ में नहीं आ रहा, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जाकर जिसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन कहा जाता है वो हमको महसूस नहीं होता है। इस बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? सिद्दीकी साहब, आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा और उस सवाल का बहुत सारा जवाब भी दे दिया। तो आप देखिए कि उस सवाल में ही कई सारे जवाब हैं उस मसले के। पिछले दिनों एक नया इंडेक्स सामने आया, वो हम दुनिया में कई सारे मेजरमेंट करते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर मुल्क कौन सा है, कौन सा है, यूएस है दूसरा और तीसरा, तीसरे में आके अटक जाती है, थर्ड रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बताइए जल्दी से बताइए जिसको मालूम हो। तो तीसरा जो है जापान और चौथा जर्मनी है, फिर इंडिया, ब्रिटेन और फ्रांस आते हैं। तो एक तो ये है कि आप देख लें कि लोगों के पास कितने पैसे हैं, हर आदमी के पास कितने पैसे हैं और वो किस तरह से उसमें बढ़ावा होता है, पर कैपिटा इनकम किस तरह बढ़ती है। तो एक तरीका ये है देखने का, मेजर करने का कि हाँ भाई ये मुल्क बेहतर है ये मुल्क नहीं है, वो ये कि आप देख लें कि आमदनी कितनी है। पीछे के लोग बताएं, हाथ उठाकर, आवाज़ पहुंच रही है वहां तक? ओके, शुक्रिया, गुड। अगर आप ना भी कहते तो पता चल जाता। तो एक मेजर ये था, 100 साल से हम इस तरह मेजर कर रहे हैं कि वो मुल्क अच्छा है जिसकी जिसकी आमदनी बढ़, जिसकी पर कैपिटा इनकम बढ़, वो GDP पर कैपिटा बढ़, उसमें ये 6-7 मुल्क आते हैं। लेकिन क्या ये सही कैलकुलेशन है, क्या ये सही मेयार है ये जज करने के लिए कि मुल्क की तरक्की हो रही है या नहीं हो रही? तो उस वजह से एक कई तरह के इंडेक्सेस बनते रहे, बहुत नजम की तरह बहुत सारे मैथमेटिशियन बैठे, उन्होंने कई फॉर्मूले लगाए कि हम किस तरह से काउंट करें कि किस कौन सा मुल्क सबसे अच्छा मुल्क है। सबसे अमीर तो हमें मालूम है लेकिन सबसे अच्छा मुल्क कौन सा है? तो फिर पिछले दिनों एक और लिस्ट आई जिसमें ये कैलकुलेट किया गया कि कौन सा मुल्क सबसे खुश मुल्क है, हैप्पीनेस इंडेक्स। अब आप लोग सोचिए कि खुशी को की गिनती कैसे हो, खुशी को आप मेजर कैसे करें, खुश कैसे होता है? आपकी तनख्वाह बढ़ने से खुश हो जाते हैं आप? ये हमारा पुराना मेथड ये था कि अगर आपकी तनख्वाह बढ़ रही तो आप खुश हो, अगर आप वो जो कंज्यूमरिज्म उस वजह से आया जो आप कहने लगे कि हमने ये सोचा, हम इकोनॉमिस्ट ने ये सोचा कि अगर ये साहब ज़्यादा ख़रीद रहे हैं जाके चीज़ें तो ये ज़्यादा खुश हैं बनिस्बत इनके जो नहीं ख़रीद पा रहे, यूटिलिटी कहते हैं उसको, वो हम मेजर करने लगे कि भाई ये 2000 रुपये खर्च कर रहे हैं, ये 1500 खर्च कर रहे हैं इसीलिए ये ज़्यादा खुश है। लेकिन क्या खुशी उसमें ज़ाहिर होती है? क्या खुशी सिर्फ इस बात में है कि आप कितनी शॉपिंग कर सकते हैं,
तो अब जो नया मेजर आया उसमें हमने देखा कि हैप्पीनेस और कंजम्पशन में कोई है थोड़ा सा, लेकिन कोई खास वो रिलेशनशिप नहीं है। इस वजह से आप देखिए कि ये जो 5-6 मुल्क हमने कहे ना, US, जर्मनी, चाइना, जापान, इंडिया, जब आप हैप्पीनेस में देखते हैं तो ये कहीं पीछे आ जाते हैं। इनका पहले 10-15-20 में जिक्र ही नहीं है। हमारा तो खैर बहुत ही पीछे, हम तो इतने मुल्कों के पीछे हैं कि आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। हमारा शुमार हैप्पीनेस में जो सारे मुल्क पे हम हंसी उड़ाते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सोमालिया, उन सबसे पीछे हैं। कि आखिर क्या बात है कि इंडियन जो है वो 5वें पोजीशन पे तो पहुंच गए वेल्थ में, लेकिन हैप्पीनेस में तो वो 130 पे। तो उसमें अगर आप देखें जो मुल्क आगे हैं, वो फिनलैंड एक छोटा सा मुल्क है, वो नंबर वन। वो क्यों आगे? उसमें जो सबसे बड़ी बात नज़र आती है वो 3-4 चीज़ें जिसका इस कॉन्फ्रेंस के साथ बड़ा अहम लगा वो है रिलेशनशिप। उसमें पहली बात ये है कि वो मुल्क हैप्पी होता है, वो मुल्क खुश होता है जहाँ पे अमीर और गरीब का फासला कम होता है। आज दुनिया में अगर कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पे ये फासला सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है तो वो हमारा मुल्क है। फासला बढ़ रहा है, ये नहीं कि हमारे पास इनइक्वालिटी ज़्यादा, इनइक्वालिटी अब भी साउथ अफ्रीका और रशिया में ज़्यादा है, लेकिन हमारी रफ्तार इनइक्वालिटी की सबसे ज़्यादा है दुनिया में। 1-2 लोग हैं जिनके पास $100 बिलियन हैं और 1,000 मिलियन लोग हैं जिनके पास 100 रुपये नहीं है। तो एक वजह वो होती है, और दूसरी वजह होती है कि किस किस्म की आपको सहूलियत है आपके इलाज के लिए और आपकी पढ़ाई के लिए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला अब इवन मोर देन इनइक्वालिटी इन वेल्थ इज अनइक्वल एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप बोलिए कि हमारे पास क्या सेहत सबको एक जैसी, हेल्थ केयर सबको एक जैसी अवेलेबल है? क्या हर एक को एक जैसी एजुकेशन अवेलेबल है? इन दोनों में मसला ज्यादा किस में है, सेहत अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर या अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन? नहीं, एक चूज करना पड़ेगा आपको। जिन्होंने एजुकेशन कहा बिल्कुल सही कहा कि हमारे मुल्क में दुनिया का सबसे खराब इनइक्वालिटी इन एक्सेस टू एजुकेशन है। ये जो आप इस वंडरफुल बहुत खूबसूरत से ऑडिटोरियम में बैठे हैं, वो इस वजह से हम नहीं बैठे हुए हैं कि हम बड़े ज़हीन हैं और हमने बहुत मेहनत की। हम सिर्फ इस वजह से बैठे हैं इस कमरे में क्योंकि हमारी किस्मत अच्छी थी, माँ बाप ने अच्छे स्कूल भेजा, अच्छी यूनिवर्सिटी गए आप और आ गए। ऐसे ऐसे हज़ारों फूल हैं जो खिले ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा मसला है। तो इसीलिए आज का ये टॉपिक बहुत अहम है कि एक्सेस, ये G20 का मकसद इकोनॉमी के आगे अब ये है कि हम किस तरह से उन मुल्कों से सीखें कि हर आदमी को, चाहे उसके पास, देखिए आप बड़े घर में पैदा हो तो आपके पास सिल्वर स्पून है, आपके माँ बाप के पास पैसे हैं, आपने जायदाद इनहेरिट कर ली, लेकिन क्या वो लड़का लड़की जो गरीब घर में पैदा हो, क्या उसको इख्तियार नहीं है कि वो उसी हॉस्पिटल जाए और उसी स्कूल को जाए? ये क्यों होता है कि हमारे मुल्क में नहीं कर पाते हम, बल्कि इंग्लैंड में और स्वीडन में और नॉर्वे में हर बच्चा उसी स्कूल को जाता है जो उसके पड़ोसी का बच्चा जाता है, जो मिलियनेयर है। हर लड़की उसी हॉस्पिटल को जाती है जहाँ वो उसकी नौकरानी या उसकी मालिक जाते हैं। सिर्फ हमारे पास ऐसा है कि अगर आप गरीब हैं तो आपको एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, और अगर आप गरीब हैं तो आपको हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं है। ये तो आपने सवाल जो पूछा था उसका यही जवाब है कि ये अब हम समझ रहे हैं, और ये बड़ी देन है G20 की कि हमको उस राह पे चलना है जहां हम सिर्फ वेल्थ नहीं मेजर करें बल्कि ये मेजर करें कि हर बच्चे बच्ची को उसी डिग्री, उसी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सकती है। यानी उस वजह से आज का उन्वान बहुत जरूरी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर। दो बातें सामने आई हैं, बतौर ख़ास दो बातें सामने आई हैं कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको G20 के ज़रिए से एड्रेस करना है, और ऐसे बहुत सारे फूल हैं जो खिले बगैर मुरझा जाते हैं,
ज़ाहिर है कि उनको कारगर बनाने के लिए और दुनिया के मसाइल को हल करने के लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन जो नज़र आता है वो एजुकेशन सिस्टम में नज़र आता है. बट एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ हैज बीन फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस. मैं इनवाइट यू ऑल टू प्लीज कंट्रीब्यूट योर आंसर्स, योर पॉइंट ऑफ व्यू इन रिगार्ड टू व्हाट चैलेंजेस इंडिया इज बीन फेसिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. एक दो तीन आप बताएं, फिर हम एक्सपर्ट से बात करेंगे. इस वक्त एजुकेशन सिस्टम के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं जो आपके नज़दीक बहुत अहम हैं? जी जी बताएं. जी क्वालिटी. ओके क्वालिटी. जी और बताएं. हाँ हाँ पॉलिटिशियन कह रहे हैं. पॉलिटिशियन. ओके. पॉलिटिकल इंटरवेंशन यू मीन? तो पॉपुलेशन. अच्छा अच्छा. बहुत अच्छा. ओके ओके गुड. ये पढ़ रहा है जी. जी जी यस. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. ओके ओके. हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो सारी वॉइसेस को सुन रहे हैं और मैं उनसे ये ख्वाहिश करूँगा कि उनके नज़दीक तीन इम्पोर्टेंट इश्यूज कौन से हैं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम जिनको फेस कर रहा है. आई वुड लाइक चैलेंजेस टू एजुकेशन. व्हाट आर द चैलेंजेस एंड इश्यूज आवर एजुकेशन सिस्टम हैज बीन फेसिंग इन पर्टिकुलर? स्पेशली इन योर कंट्री. माय कंट्री. ओके. इज कैन यू हियर मी बैक देयर? इज दिस ऑन? आई थॉट इट हैड इट ऑन. हाउ अबाउट हियर? Right there? Okay. All right. So I was just reading about that, to be up to date as much as possible, some of the challenges we are facing right now, since because of the pandemic is part of the reason problem, but we are having a lot of universities close because of financing or lack of financing, lower student enrollment that we've had in like 12 years, fewer males going into university, which is interesting in the United States, and of course, the cost, as I mentioned before. And there's also programs that are being created, such as Google and Microsoft have these 6-month programs where you can take coding and your job start off making $60,000 a year, which is like 50,000 lakhs a year, something like that. So it's a decent income for a 6-month course, as opposed to a 4-year university, which will cost a lot depending on the university. That's some of the challenges we have. And also we're looking at, they're thinking more people, particularly they're wondering why are there fewer males enrolling in universities in the United States? Yeah. And one idea or one thought is that they are entering trades, vocations like carpentry, plumbing, you know, trades we need. Yeah. So it's not necessarily, in my opinion, a bad thing that we have people moving into it. But again, we do need to stay on top, we meaning the world population, because we're now global. We need to stay on top of the latest technology. We need to keep our critical thinking skills on tap. So those are just some of the challenges the US is facing in regards to higher education. Wonderful. Thank you, wonderful. Professor Madhupasan sir, I would like you to please ponder upon, especially with reference to Russia. फिर फिर ऑन कर. हेलो. आप ये ले लें जब तक ये ले लें. दैट वाज वर्किंग. ये नहीं. अच्छा ठीक है. हेलो हेलो. जी जी. आई लेफ्ट रशिया लॉन्ग बैक, बट व्हाट आई सॉ देन वाज समथिंग व्हिच आई मे टच अपॉन. रशिया, द टाइम्स व्हेन आई लिव्ड देयर, दैट वाज द टाइम व्हेन अ पर्सन हु वाज वर्किंग इन अ कैंटीन, his child could study in the same university yeah. or institute as the best professor's child could. Okay. Right? There was equality in that. We yeah. saw that the girls who were barbers in our
in our building, in our university structure, they would change, put lipstick on, and there would be students and studying in the best of the institutes. May it be Stetlow Institute or Moscow State and so on. So education was accessible to everyone. That was one very good thing that the socialist system did. And they crumbled because of other reasons, but coming to education, everybody was educated, and in fact, a common person we met on roads or in metro, they knew more about our culture, our Vedas and yoga, much more than we knew. Oh. They knew it, you know, in an academic way. Okay. They had That's great. Yeah. So they, and so education was there for everyone. And the amount a person earned did not depend on their education. But for example, a person working in a mine could earn more money than a professor would. But the accessibility to education was there for us. That was one very good thing. Now I think it must have broken down. Yeah. And things are bad in Russia now. It is. But that was there. Russia is a very rich country. Why is Russia still important? It's because Russia as a country is very rich. Everything which you find on the periodic table, you will find it in Russia. Right. Okay. You have immense amount of petroleum, you have gold, you have platinum, and they started selling gold when the economy was bad. Yeah. They could change the index, world index in that. So it's a rich country, and that's why we have to keep them in the loop. Absolutely. Because they're going to come back. They went down because it was a highly centralized system, and the economy, Gorbachev came after Brezhnev's times, and Brezhnev's times were, they had given wrong statistics, wrong figures, and there was, Gorbachev realized that the economy was in a bad shape, and he introduced perestroika and glasnost at the same time. That is the independence, And freedom and restructure. Had he brought about restructuring the economy, stabilized the economy, then they wouldn't have fallen apart like they did. So that was one good thing with the socialist system, and that's what is required. And what is happening in India now is the equity there. Yeah. We are slowly growing towards a system where only the rich will be able to get educated, while the poor will be more and more uneducated. And it has been studied, all economic programs, economic surveys have shown that education and the social economic growth of a nation are strongly correlated. Because good education creates skilled workers, good education creates innovation, good education creates jobs, unemployment. So education is the key thing, and we have to focus on that. And the problems which we have now in India is a big disparity. Some colleges, some institutes, universities are extremely rich, the private ones especially. Yeah. And they have all the amenities. You go to Gujarat or you go to MIT University, Haryana and all, they have excellent facilities of even the games we don't play. Baseball fields are there. And while there are others, I went to some places in Kashmir, and people hold the same class, fifth class and seventh class students are studying in the same classroom. Yeah. They don't have the infrastructure. Yeah. The same teacher teaches two sets of people sitting in the classroom, mathematics and history. Can you imagine what's happening? Right? So we lack in infrastructure, which has to be built. We have to have trained teachers. It's very simple to give good education. We have to get good teachers, they create good students, and give them a conducive environment where they can study and grow. And when we can't provide that, then we have issues. Professor Anurula sahab, abhi tak bahut sare pure sare discussions mein bahut sare points aaye hain, bahut sare issues samne aaye hain. Agar main aapse ye request karun ki aap mujhe bataye कि एक पॉलिसी मेकर के तौर पर आप इन इश्यूज़ को हल करने की कोशिश करना चाहें पॉलिसीज बनाकर, तो सबसे पहले आप किन इश्यूज़ को प्रायोरिटीज देंगे? जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ ज़रूर सिद्धि साहब. हमने एक बड़ी स्टडी की थी अमेरिका में,
मैं एक इदारे में काम करता था, उसका नाम था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जिसमें हमने जो सारी दुनिया में काम करती, और उसके जो बानी है बिल गेट्स, उनका कहना ये था कि अगर सेहत के एरिया में कहीं बुरा हाल है और काम करना है तो वो इंडिया है, और एजुकेशन में अगर कहीं करना है तो वो अमरीका है। उनको ये था कि अमरीका की एजुकेशन सिस्टम एटलीस्ट इन द प्राइमरी स्कूल लेवल इज़ वेरी बैड। हमको यकीन ही नहीं होता था, फिर जब हमने जाके देखा कुछ इलाके ऐसे हैं अमेरिका के साउथ वाले जहाँ पे बहुत बुरा हाल है, जो ऐसे लगता है कि आप बिहार पहुँच गए। तो मैं समझा दूँ आपको, समझ में आएगा। एक स्कूल गए, ये स्कूल अमेरिका का स्कूल, राइट। अब वो जब हम स्कूल पहुँचे वहाँ पे, तो गेट के बाहर चार गार्ड खड़े थे बड़ी बंदूकें लिए। स्कूल है ये, प्राइमरी स्कूल, हर चीज़ उस स्कूल की, वो ग्लास, कंप्यूटर, माइक, सब पे ताले लगे हुए थे। हर सब हाई स्कूल के बच्चों के पास या तो एक छुरी थी या बंदूक थी। तो बिहार से भी थोड़ा आगे, और टीचर आया नहीं करते थे, क्योंकि अगर टीचर आता कभी तो पिटाई हो जाती। और पास परसेंटेज उस स्कूल का, हाई स्कूल का, अंदाज़ा लगाइए क्या होगा, ज़ीरो। तो बहुत बुरा हाल है। तो हमने एक बड़ी स्टडी की कि आखिर अच्छा एजुकेशन सिस्टम कैसे बनता है, सबसे अहम चीज़ क्या है अच्छी एजुकेशन। अगर आप देखें, इस यूनिवर्सिटी को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नो, एयर कंडीशनिंग, लाइब्रेरी, इंटरनेट, बच्चे, सबसे अहम वेरिएबल कौन सा है बताइए? अच्छी एजुकेशन के लिए कौन सी एक ऐसी चीज़ चाहिए जो गारंटी करेगी कि अच्छा एजुकेशन? वेरी गुड। वर्ल्ड वाइड द वन वेरिएबल दैट मैटर्स, आपके पास एक पेड़ हो जिसके नीचे आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हो, या एक बहुत खूबसूरत हॉल हो विथ सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग, द टीचर इज द मेन पर्सन। अच्छा टीचर हो तो अच्छी एजुकेशन होती। हमारी बदबख्ती है इंडिया में कि हमारे पास टीचर है ही। हमारी हर यूनिवर्सिटी में 50 वैकेंसी, कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो 30-40% टीचरों से चल रही, और मैं छोटे मोटे यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी हम आए हैं, अहमदाबाद गए हुए थे, वहाँ पे 40% वैकेंसी है। वो सबसे अच्छा मेडिकल मैनेजमेंट स्कूल है हमारा। हम ISB में आपके पड़ोस में हैं, हमें मुश्किल हो रही फैकल्टी हायर करने में, हालांकि हम बहुत पैसे देते हैं, लेकिन हमारे पास फैकल्टी है ही। हमारे स्कूलों में 1,000,000 टीचर कम है आज, तो कहाँ से पढ़ा पाएंगे? तो सबसे बड़ा मसला हमारा फैकल्टी, वो अगर हम तय कर लें, वो अगर हम पार कर लें, तो हमारा 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमारा दूसरा प्रॉब्लम जो है वो एजुकेशन का, वो एक बड़ा एक इतना ज़्यादा इग्नोर्ड प्रॉब्लम है जो सिर्फ आप लोग समझ सकते हैं, जब मैं समझाता हूँ, और कोई नहीं समझता ही। वो ये है कि अगर लड़के लड़कियां हमारे ड्रॉप आउट हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, और अगर जाके पूछें कि ये क्यों फेल हो रहे हैं, ये स्कूल क्यों नहीं आते, इतने ज़्यादा बच्चे, 70% बच्चे हमारे 6 क्लास के बाद स्कूल से गायब हो जाते, तो आखिर ये क्यों नहीं आते स्कूल? तो अच्छी जगह होती ना, स्कूल महफूज जगह होती, स्कूल में खाना मिलता है, स्कूल में दोस्त मिलते हैं, तो फिर बच्चे स्कूल आते क्यों नहीं, और इतनी बड़ी तादाद? तो जब ये स्टडी हुई, तो जो सबसे बड़े वजह मालूम हुई, बताएं? नहीं, फ्री की एजुकेशन है, लैक ऑफ, नो, नॉट बैड आंसर बट नॉट द करेक्ट। क्यों नहीं आते बच्चे, छोड़ क्यों जाते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वो बच्चे ना बड़े खुशी से चटाई पे बैठते हैं, उनको कोई मसला नहीं। जी, अच्छा, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का है, लेकिन सबसे अहम वजह जो हर स्टेट में पाई जाती, वो ये कि वो बच्चे कहते हैं कि सर, हम जब क्लास में बैठते हैं हमें पता ही नहीं चलता क्या बोल रहा है टीचर, वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं या वो हिंदी में बोल रहे हैं
या हम गुजराती हैं तेलुगु में सुना रहे हैं, हमें कहाँ से समझ में आएगा। और सबसे जो मुश्किल सबसे एक सब्जेक्ट है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा छोड़ देते हैं स्कूल, मैथ्स। बिल्कुल सही कहा, हमारे पास मैथ्स के टीचर आई नहीं, एक बैठे हैं यहाँ और नहीं है, मैथ्स के टीचर है नहीं। आप सोचिए, आपको मैथ्स आती नहीं, आपको उर्दू आती नहीं या तेलुगु आती नहीं, आप बच्चों को मैथ सिखा रहे ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी, कहाँ से समझाएंगे आप। तो सबसे बड़ी वजह ये, इस वजह से मैं बार बार इस यूनिवर्सिटी को की बात करता हूँ। इस यूनिवर्सिटी की अहमियत इस बात इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ये सबसे बड़ा जो मसला है हमारा उसको एड्रेस करती है, अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, ये अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सिर्फ उन 8% लोगों को, कितना फीसद हिंदुस्तानी है जो अंग्रेजी बोलता है, 8%, हम 8% के लिए करते हैं सब चीज़ें। वो जो 92% लोग हैं ना, वो जाएं अपना प्लम्बिंग करें। तो इस वजह से ये जो दूसरा बड़ा चैलेंज है इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से समी आज यह प्रोग्राम जो आपने किया यहाँ वो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, द लोकेशन इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर दिस। और तीसरी वजह ये है जी, फॉर एग्जाम माई लास्ट, तीसरी वजह ये है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो 2 साल से हैं या कुछ 4 साल से होंगे, कुछ शायद प्रोफेशनल स्टूडेंट होंगे जो 15 साल से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। लेकिन उन लोगों, आप जब पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाई से क्या फ़ायदा होगा, आप जब डिग्री लेके जाएंगे यहाँ से उस डिग्री का क्या करोगे। हरियाणा में 42% ग्रेजुएट हैं जिनके पास नौकरियाँ नहीं हैं। हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ है, इंडिपेंडेंट इंडिया में ये पहली बार हुआ है कि इस दर्जे के, इस नंबर के लोग अनएम्प्लॉयड हैं जो ग्रेजुएट हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। औसतन इंडिया का एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इज 24%, ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट लेवल 7% है, वो भी कभी नहीं हुआ। और 24% एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें हरियाणा 42 पे है, तेलंगाना 28 पे है, ये भी कभी। तो क्यों पढ़े, अगर आप 10 12 15 साल पढ़ के फिर नौकरी नहीं मिलने वाली है तो क्यों पढ़े। तो जो बुनियादी मसला है वो ये है कि हम ये तय करें कि हम एजुकेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं। क्या हम आपको एजुकेशन इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिशियन बने, क्या हम इसलिए एजुकेशन दे रहे हैं कि आप एयर कंडीशनर ठीक करें, क्या हम एजुकेशन आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप पकौड़े तलें, आपको क्यों एजुकेशन, आप एजुकेशन क्यों चाहते हैं, एजुकेशन का मकसद क्या है। दैट इज़ वाई आप में से एक दो लोगों ने कहा कि यू नो द पॉलिसी, वो पॉलिसी का मकसद बड़ा इम्पॉर्टेंट। और उसमें जो आपने कहा कि हम क्यों एजुकेशन को प्राइवेट सेक्टर में डाल रहे हैं, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़े। अगर हर बच्चा हर बच्ची को पढ़ना है तो एजुकेशन हैज़ टू बी अ पब्लिक गुड, तो वो एक बड़ा है। मगर ये सवाल कि एजुकेशन का मकसद क्या होता है वो हमारे पास क्लियर नहीं है। और ये नई एजुकेशन पॉलिसी है उसका सबसे बड़ा मसला यही है कि वो ये कह रही कि हर लड़के लड़की को एजुकेशन इसलिए देनी चाहिए कि वो कोई ना कोई छोटी मोटी नौकरी में फिट हो जाए। That is its biggest problem. Education का मकसद नौकरी से कहीं ऊंचा होता है और वो हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम वो समझेंगे तब हम वो बाकी G20 कंट्रीज की तरफ पहुंच पाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं देख रहा हूँ कि जिस हैप्पी इंडेक्स की बात हो रही थी, मैं पूरे मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, इस हॉल की बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए वो हैप्पी इंडेक्स काफ़ी माशाल्लाह से बढ़ गया है आपके से। थैंक यू सो मच। आपने जिन इश्यूज़ का एनालिसिस करके जो इश्यूज़ खुद को हाईलाइट किया, नंबर 1 एमलेसनेस इन एजुकेशन, बेमकसद तालीम जी, पहला। दूसरे के अच्छे टीचर्स की, बल्कि टीचर्स की कमी जी, है ना। और तीसरे ये कि किस तरीके से बच्चों को प्लीजेंट वे में इंगेज किया जाए, किस तरीके से तालीम तरबियत की जाए, उस फन का या तो वाकफियत नहीं रखना या अगर वाकफ भी है तो उसका इजहार नहीं करना। ये चंद इश्यूज़ हैं
जो इस वक्त हमारा तालीमी निदाम जो है फेस कर रहा है. दीज आर सर्टन इश्यूज दैट आवर एजुकेशन सिस्टम हैज बीन फेसिंग. अब इस सिलसिले में जब मसाइल को हल करने की बात होती है, इश्यूज को हल करने की बात होती है, तो लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का एक बड़ा रोल होता है उसमें. तो व्हाट्स द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इट कैन प्ले टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन especially in your country, what role technology has been playing? Okay. Well, as we know, during the pandemic, it played a very big role. Yeah, absolutely. but there was a disparity because you have, part of the problems is we have, as you know, we're a country of immigrants, all ethnic groups, such as myself, I'm Latina. And so depending on where you are, you had people who were struggling with internet access. So some of the states provided free internet access to lower income families and homes, which was helpful. I taught for 2 years online. I hated it. I did not have, ask anybody, I think, yes, those yes. of us, right? Because it was just not, you needed that face-to-face, that in-person to establish a rapport with your students, which is very important in teaching. I think any educator could agree that would be that. But it does provide access. I once attended, when I was in Qatar, a conference on education, and they were promoting, this was pre-pandemic, they were promoting all this technology, how these would provide education for people in poorer countries, in poorer areas, but they forgot one thing. The human factor. Yeah. And the human factor is we like to be face to face. There's better command in the classroom when you're with your student in there. You can get your students to participate more. And you know how many professors or teachers here, you'd ask a question to a student and their screen would go black because they didn't want to answer it. And then they'd say, oh, I had problems with the internet. You know, so that's the problem with technology and education. The good part is for those who do want to learn, it can provide them opportunities that are more affordable than in person, yeah. especially for higher education. Thank you so much. It's true that technology helps us to reach to unreached, that's true. But it cannot be the substitute of the physical mode. That's the point that she has highlighted. Yes. Professor Najmul Hasan sir, may I know, what role technology can play even in face-to-face mode in order to improve the quality of education? Yeah. So we are seeing a different world since 1990s, early 1990s, because of the internet and its fastly growing the facilities and the speed with which information is being transferred. Earlier, the difference between a good institute and a bad institution was, one was they had an access to information where they knew what was happening, what was relevant for society, and how much work has been achieved in a certain thing. Yeah. And poor institutions are those where they had no idea what's happening in the world. Today we are living in a world where that click of a button, it's available to everyone. So the disparity between me going to IUCA leading institute in Pune in 1990s and not going there today is the same. Then I had to go because I had to access articles and things only by being there. Now I can do it from right here. So any person sitting anywhere in the world, in a smallest village where internet is available, they have access to knowledge. And this has also changed our attitude towards research. You know, information is freely available. And today the taxpayer also knows where is his money or her money going to, and we are answerable to them. Earlier, universities were ivory towers, and we took pride in saying I study prime numbers because I find beauty in them. Yeah. But today we can no more say that. You don't get funds, you don't get your. So today you have to say that I study prime numbers, they are interesting to me, but it helps us build security systems for you, and the WhatsApp where you're exchanging your information or, you know, this is being secure and so on. So today it has become very relevant to us to do research or work in areas which have relevance to social needs in society.
And in that sense, it's molding everything, our attitudes towards education. And this was something which was lacking in our Indian system, where we were teaching things to students, but they never knew what was the relevance of doing that. So that was the reason why students didn't want to attend classes, because they don't know why we are. So that is a lacuna in our system, and which is fast filling now. And technology at all levels, face to face or not, it provides you information, it provides you knowledge of what's relevant in today's society, and so on. It can be misused too, but every good thing has a negative aspect. Absolutely. And but there's more benefit which we have gained from it rather than the loss. Absolutely. Sir, बहुत-बहुत शुक्रिया. आपने ये बताया कि किस तरीके से ऑफलाइन मोड हो या ऑनलाइन मोड हो, दोनों में टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है. प्रोफेसर आमिला साहब, जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आईसीटी के इस्तेमाल की बात करते हैं, तो बहुत सारी मरतबा गलतफहमी पैदा हो जाती है. केजी नर्सरी के बच्चों को कंप्यूटर और इंटरनेट और ये सारी चीज़ें उनके सामने रख दी जाती है, और ये समझा जाता है कि सब कुछ जो है टीचर को वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो इस सिलसिले में आपकी क्या राय है, टेक्नोलॉजी का किस हद तक इस्तेमाल करना चाहिए, और टीचर का रोल उसकी वजह से कुछ कम होता है, या क्या उसके रोल पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया. विवियन ने अपना एग्जाम्पल दिया कि वो जब पढ़ाती थी तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था ऑनलाइन. मैं अपना तजुर्बा बताऊँ आपको कि जैसे ही ये पैंडमिक हुआ, लॉकडाउन हुआ, हर आदमी को ऑनलाइन टीचर की ज़रूरत थी. तो कई यूनिवर्सिटीज़ आई हमारे पास, क्योंकि हम चंद ऐसे लोगों में जिनको जो हॉल खाली भी हो तो बोले आ रहे हैं, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता. एक लैपटॉप को सिर्फ एक मिनट जी, मैं ऑडियंस को एक बात बता दूं कि इसके बाद मैं सेशन को ओपन कर रहा हूं. आपके लिए मौका रहेगा कि आप अपने सवालात और शुकू का इजहार कर सकेंगे. बस इसके बाद मैं ओपन कर रहा हूं. अभी प्रोफेसर अमीरुल साहब एक बहुत अहम मौजू पर बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है और टीचर का रोल उसकी वजह से कम होता है, बढ़ता है क्या, इस पर वो बात कर रहे हैं. प्लीज़ गौर से सुने आप. थैंक यू. तो तब ये महसूस हुआ कि पढ़ा तो रहे थे हम, लेकिन ये साफ जाहिर था, और यू नो मैं 4-5 कोर्सेज पढ़ा रहा था एक साथ, और हर जगह ये साफ जाहिर था कि उस दूसरी तरफ शायद ही कोई सुन रहा हो. 60 बच्चे हैं मेरी स्क्रीन पे, जिसमें से 54 बच्चों ने अपने वीडियो बंद रखे हैं. इसका मतलब वो कुछ और कर रहे हैं, वो है ही नहीं. और वो जो 6 हैं, वो सब जो है, वो मैं कोई बहुत ही सीरियस किस्म की बात कर रहा हूँ, वो मुस्कुराए जा रहे हैं. तो वो कोई और कार्टून देख रहे हैं नीचे. तो कौन सुनेगा ये बिल्कुल. जब कभी सवाल वाल पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं देता. वो एक यूनिवर्सिटी, मैंने सबसे ये कहा कि देखिए मैं पढ़ा तो दूंगा लेकिन इम्तिहान नहीं रुकूंगा. तो 4 लोगों ने मान लिया. एक यूनिवर्सिटी ने कहा कि नहीं सर, वो UGC है, वो एग्ज़ाम चाह रहे हैं, आपको एग्ज़ाम रखना पड़ेगा. बड़ी रिलक्टेंटली मैंने कहा अच्छा भाई एग्ज़ाम. तो पर्चे आए, मैंने मार्क किया, वो भेज दिया. रात को 11 बजे कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम का फ़ोन आया कि सर ये क्या कर दिया आपने. मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले सर वो 62 बच्चे हैं, सबको आपने 80 नंबर दिए. तो मैंने कहा जी मैं क्या करूं, सारों ने एक ही जवाब दिया. यू नो द इशू इज़ कि टेक्नोलॉजी से हमको तो बहुत फ़ायदा हुआ, टीचरों को तो बहुत फ़ायदा हुआ. मैं अब जब पढ़ाता हूँ तो मुझे बहुत आसान होता है पढ़ाना, क्योंकि मेरे पास एक स्क्रीन पे मेरे सारे नोट्स हैं, एक स्क्रीन पे मेरे स्लाइड्स हैं, एक स्क्रीन पे मैं आपके सवालों के जवाब जल्दी जल्दी से ढूंढ के, जब नहीं भी मालूम है तो ढूंढ के आपको बता सकता हूँ, एक स्क्रीन पे आप सबको देख रहा हूँ. तो मेरे लिए तो बहुत फ़ायदा हो गया, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन एजुकेशन में ये मसला है कि वो क्लासरूम का डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर सक रहे हैं. और ये भी हो गया है कि वो जो एक 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 रिगर होता है क्लासरूम का, वो मसला हो गया. लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं 2-3 जगह जहां पढ़ाता हूं वहां पे फ़ायदा ये हो गया है कि आप सिद्दीकी साहब की क्लास में गए, उन्होंने 40 लेक्चर लिए, राइट. अब आप जब कोर्स के एंड में आप सोचते हैं कि अच्छा वो जो तीसरे लेक्चर में उन्होंने कहा था वो क्या कहा था. नोट्स जब ढूंढते हैं तो उसमें 2 लाइन लिखे हुए होते हैं, कौन लेता है नोट्स, तो ऐसे ही बैठे रहते हैं आप लोग. तो अब क्या हो गया कि अब आप जाइए लाइब्रेरी में, क्लिक कीजिए 3rd लेक्चर को पे जाइए और 3रा लेक्चर आपके सामने.
और रिजवान मियाँ जो है दुनिया की सबसे बड़ी रिपोजिटरी बना रहे हैं उर्दू में, वाकई बहुत अच्छी हो, यानी आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते उससे कितना फ़ायदा आप पहुँचेगा और अगले 100 साल के लिए, तो आपको वो मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल, वरना आप सोचिए आपको याद रहेगा क्या कि पहले लेक्चर में क्या कहा था यूसुफ ने, दैट इज़, तो वो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहा है और ये जो कंटेंट डेवलप हो रहा है, और अगेन मैं दोबारा यही कहूँगा कि ये जो हम कंटेंट अब डेवलप कर रहे हैं मुख्तलिफ ज़बानों में खुसूसन उर्दू में, ये बहुत बड़ी रिपोजिटरी है। अगर आप इंटरनेट पे देखें सबसे बड़ी तनखीद इंटरनेट की ये है, हालांकि बिलियंस ऑफ गीगाबिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है नॉन इंग्लिश में, इतना सा है ही नहीं के बराबर वो आप लोग कर रहे हैं, और वो रिजवान रियली इट इज़ सच अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन कि वो कंटेंट ना वो इनवैल्यूएबल कंटेंट है, वो कंटेंट जैसे विवियन ने कहा वो मुफ्त में अवेलेबल है इतने बहुत से लोगों को जो कहीं 2 किलोमीटर बस में नहीं जा सकते, तो इस वजह से टेक्नोलॉजी का रोल तो बहुत अहम रहा, बड़ा कंस्ट्रक्टिव रहा, वो इतना कंस्ट्रक्टिव है जितना हम और आप चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी यूज़ करूँ पढ़ाने में, मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, आप चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी यूज़ करें पढ़ने में, आपको बहुत, इमेजिन करिए अभी जैसे नजम ने कहा कि मुझे अगर एक पेपर ढूंढना होता तो मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जाता, वो किताब ढूंढता, ये मैं 1980 की बात कर रहा हूँ, और अगर हमको नोट्स लेने होते जब तो फोटोकॉपियर भी नहीं था, हमको बैठ के वहाँ पे वो सारे पेपर लिखने पड़ते, 2 घंटे आप एक 4 पेज कॉपी कर रहे हैं, अब आपको ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की, तो इतनी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को अवेलेबल, इट इज़ प्योरली, और आप ये सारी G20 के कंट्रीज देखिए, इन सब में टीचर का रोल बहुत अहम है, क्लासरूम का रोल बहुत अहम है, बल्कि बढ़ गया है, लेकिन टेक्नोलॉजी का रोल भी उतना ही ज़्यादा बढ़ा है। थैंक यू सो मच। गुफ्तगू का हासिल ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत अहम रोल अदा कर सकती है, लेकिन टीचर का रोल कभी भी कम नहीं होगा, उसका रोल अपनी जगह पर है, और जब तक के अच्छे टीचर्स नहीं रहेंगे क्वालिटी इन्हांस नहीं हो सकती है। थैंक यू सो मच। नाउ द सेशन इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। टॉपिक आपके सामने है एजुकेशन इन G20 कंट्रीज। इस सिलसिले में आपके जहन में अगर कोई सवाल हो, आपके कोई ऑब्जर्वेशन हों, कोई मशवरे हों, तो आप ज़रूर पेश कर सकते हैं, और अगर आप चाहें किसी मखसूस एक्सपर्ट से आप अपना जवाब चाहते हैं तो आप उनका नाम भी ले सकते हैं कि मैं ये सवाल फलां को एड्रेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। द सेशन इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। लेकिन इससे पहले कि हम सेशन को ओपन करें, मैं समझता हूँ कि डायरेक्टर ऑफ IMC डिजर्व्स अ बिग क्लैप फ्रॉम ऑल ऑफ अस। उनकी टीम और वो मिलकर जो काम कर रहे हैं, जिस तरह इसका तस्करा यहाँ पर प्रोफेसर रामलीला साहब ने किया, वो काबिल तारीफ है, हम तमाम की मुबारकबाद की वो मुस्तैक हैं। नाउ सेशन इज ओपन। जी सर, वॉलंटियर्स यहाँ पर आकर अगर माइक को दे दें तो अच्छा है। जी या कोई सा Yes. My question is directly to Professor Aminullah Khan. We are privileged that we are being given the leadership of G20 countries. What are the pros and cons of India's leadership with respect to economy and with respect to our neighboring countries? Are we can boost our economy being the leader? Very quickly, we are not the leader. Ye G20 ka koi leader nahi hota. ये लीडरशिप नहीं दी गई हमको, वी आर द कोऑर्डिनेट, वी आर द प्रिसाइडिंग फॉर ऑफिसर्स फॉर दिस ईयर, तो हम दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन, ये रोटेशन से होती है, ऐसा नहीं कि यू नो हमने कुछ बड़ा कारनामा कर लिया जिसकी वजह से हम रोटेशन, इंडोनेशिया के पास थी अब हमारे पास आइए। हमारा रोल अहम इस वजह से है, नॉट बिकॉज द G20 कोऑर्डिनेशन इज़ विद अस, बट हमारा रोल इस वजह से अहम है क्योंकि हम अब उस मरहले पे हैं दुनिया में जहाँ की इकॉनमी बड़ी फ्रेजाइल इकॉनमी है, बड़ी नाजुक सी इकॉनमी है। नाजुक इस वजह से है कि 2008 का जो बड़ा धक्का लगा बड़े मुल्कों को, उनसे वो अभी तक निकल नहीं पाए, हम भी निकल नहीं पाए। अनएम्प्लॉयमेंट सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा है, हमारे पास और लोगों से ज़्यादा है, लोग हमारे पास ज़्यादा हैं तो हमें वो मार ज़्यादा पड़ रही। इन्फ्लेशन दुनिया में इतना बढ़ा हुआ कभी नहीं था,
इन्फ्लेशन का मतलब आप सब समझते हैं, कीमतें जब बढ़ती रहती, कंटिन्यूसली बढ़ती रहती हैं, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन यूरोप में बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन इंडिया में। तो ये, और इन्फ्लेशन का मसला ये है कि ये इम्पोर्ट होता है, अगर आपके पास इन्फ्लेशन है वो किसी ना किसी तरह से मेरे पास भी आ जाएगा। एक और वजह ये है कि हमारी एक्सचेंज रेट बड़ी, वो भी बड़ी नाजुक है। ये 82-83 रुपए कभी हमने वहमो गुमान में नहीं सोचा था कि ये इतनी महंगी होगी। और जो एक बहुत बड़ी मार पड़ी हुई है दुनिया भर में और हमको खुसूसन सबसे ज़्यादा, कि वो पेट्रोल 100 रुपए का, तो फ्यूल कॉस्ट इतने ज़्यादा हो जाए हमने तो कभी अंदाज़ा नहीं लगाया था। जब एनर्जी प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसका असर हर चीज़ पे पड़ता है, जैसा कि पड़ रहा है, और उस वजह से कंजम्पशन डिक्लाइन होता है, उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़। तो हिंदुस्तान का रोल दोनों तरह से बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर चाइना है, अमेरिका है, उसके बाद हम हैं। जितना हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा उतनी दुनिया में खुशहाली होगी। जब तक हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा दुनिया की प्रोडक्शन कम होती रहेगी, और हमारा कंजम्पशन अब ठप हो रखा है क्योंकि हमारी इनकम जो है वो अर्बन एरियाज़ में प्लेटो हो गई, रूरल एरियाज़ में गिर रही है। तो जब 1 बिलियन लोग अगर एक ब्रेड का स्लाइस कम खाए तो 1 बिलियन स्लाइसेस ऑफ ब्रेड की पैदावार कम हो जाती, इतने ज़्यादा लोगों की नौकरी चली जाती। तो उस वजह से हमारा रोल बड़ा अहम हो गया है। जो एक और बड़ी वजह है जिसकी वजह से सारी दुनिया परेशान है, वो है यूक्रेन और रशिया। G20 के सर पे ये बहुत बड़ा बोझ है, और इस पे अगर आप देखें तो वो 19 कंट्रीज़ एक तरफ है या 17 कंट्रीज़ एक तरफ है, इंडिया एक तरफ है। क्या इंडिया अपनी गुर्बत रशिया से यूज़ करके क्या इस मसले को हल कर सकती, या कितने दिन चलेगा ये मसला, ये जिम्मेदारी भी हम पे। तो होता ये, मुख्तसर आंसर ये है कि अगर आप देखें हर 50 साल को एक मुल्क की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो दुनिया की मईशत को आगे लेके चले। 1910 से 1950 तक वो यूरोप में रही, 50 से लेके 70-80 तक अमेरिका पे रही, 80 से लेके पिछले दिनों तक चाइना के पास रही है जिम्मेदारी। दुनिया ये समझती थी कि चाइना के बाद इंडिया ये जिम्मेदारी ले लेगा, लेकिन हम उसके अभी लायक नहीं बने। तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, हमें अभी काम बहुत करना है। जी माइक प्लीज। जब ऐसा पहले एक क्वेश्चन मैं ऐसे पूछ लेता हूँ, फिर आप पूछ लीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक सवाल ये है कि जैसे हम लोगों ने ये कहा कि एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़ बढ़ रही हैं, वो इस वजह से कि प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है और जो पब्लिक सेक्टर है उन दोनों में बहुत ज़्यादा खाई बढ़ रही है, और जो फिलोसफी ये किए हैं जैसे इसके बाद जो हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे आए इंडिया में, उसके प्रोस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन को इस वजह से बढ़ावा दिया गया कि हम जो है पब्लिक सेक्टर में इतना हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास इतने फंड नहीं हो पाते या इतनी रिसोर्सेज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और ऐसी ही इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में भी है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को हम दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनियाँ बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रही हैं, लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं, तो ऐसी इकोनॉमी बढ़ रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ऐसा आखिर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे इस गैप को ख़त्म कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को भी आंसर करना है कि क्या अगर हम प्राइवेटाइजेशन नहीं करें तो क्या पब्लिक सेक्टर में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि उसको हम कैटर कर सकते हैं। ये अगर ज़्यादा तो हाँ देखिए वजह ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और आपसे पहले आपने भी पॉइंट आउट कर दिया था ये पब्लिक सेक्टर का बड़ा अहम सवाल है। अगर आप ये सारे मुल्क देखें G20 के, इन सब कंट्रीज़ में और हम में फ़र्क क्या है, वहाँ पे सारी पब्लिक एजुकेशन है, हमारे पास सारी प्राइवेट एजुकेशन, वहाँ पे सारा पब्लिक हेल्थ केयर है, हमारे पास प्राइवेट हेल्थ केयर। 80% हिंदुस्तानी प्राइवेट हेल्थ केयर को जाता है, 80%, और अब 91% हिंदुस्तानी प्राइवेट स्कूल को जाता है, पहली बार हुआ है ऐसा अपनी हिस्ट्री में। तो ये बड़ा नुमाया फ़र्क है। आप बाकी कंट्रीज़ देखिए, उनमें सारा पब्लिक सेक्टर। तो हमने ये जो जिम्मेदारी को तर्क कर दिया है, ये हमारे लिए बहुत महंगी साबित हो रही और होती रहेगी।
एजुकेशन बहुत, यानी दुनिया का हर आदमी, इकोनॉमिस्ट भी नहीं, हर आदमी ये कहता है कि एजुकेशन, सबकी एजुकेशन ज़रूरी है. इट इज़ द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ पब्लिक गुड, कि जब तक सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हो, जो पढ़े लिखे हैं वो भी खुश नहीं रह सकते. जब तक सब लोगों की सेहत अच्छी नहीं हो, जो सेहतमंद है वो भी फ्रेजाइल है, वो भी वल्नरेबल है. तो उस वजह से हमें कोई चॉइस नहीं है, हमें एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ा. आपका मसला जो है उसका हल सिर्फ ये है कि हम एजुकेशन पे अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 गुना बढ़ाएं. अब जितना हम डिले करेंगे उतने जनरेशन्स हमारे तबाह होंगे. हमने 2 जनरेशन तो वैसे ही खो दिए. जो एजुकेशन कैपिटल था दुनिया का, विश्व गुरु अगर हम हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है तो गुरु कहाँ से हो. तो वो हम फिर से मिस कर देंगे अगर ये जो इंटरनेट वाला दौर है, तो फिर तो पता नहीं कितने साल लगेंगे. तो एजुकेशन पे जिस पे हम 2.5-3% खर्च करते हैं, दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जो इतना कम खर्च करता है एजुकेशन, कोई भी गरीब से गरीब मुल्क. अगर जब तक हम उसको 7-8% नहीं कर दें तो हम कहीं के नहीं रहेंगे. ये जो हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, स्टैचूज फराना बनाते रहते हैं, ये रोड और ये एयरपोर्ट, ये सारा प्राइवेटाइज कर दीजिए आप, इस पर क्या ज़रूरत है आपको गवर्नमेंट के पैसे खर्च करने की. डिफेंस प्राइवेटाइज कर दीजिए. क्यों चार, अब इस साल हम 6 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे डिफेंस, 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट पे, और 1 लाख करोड़ करेंगे एजुकेशन पे, जो कि घटता जा रहा है. पिछले 7-8 साल से एजुकेशन का बजट में आउटले कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा. हेल्थ पे भी कम हो रहा है. तो हल तो साफ जाहिर है, हल सिर्फ ये है कि आप ज़्यादा पैसा खर्च. इंडिया में भी आप देखिए एजुकेशन का लेवल कहाँ अच्छा है, केरला तमिलनाडु. क्यों? क्योंकि केरला तमिलनाडु में हर बच्चे पे जो जो पर कैपिटा खर्च होता है वो यूपी से 8 गुना ज़्यादा है. और कोई मसला ही नहीं है, और कोई हल ही नहीं है उसका. प्लीज़ जी, मैं प्रोफेसर अमीनुल्लाह खान साहब से मुखातब हूँ. चूँकि G20 ग्रुप्स में मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज हैं और बहुत कम डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे इंडिया है, और आपने हवाला दिया चाइना और ब्राज़ील. हिंदुस्तान को एजुकेशन के एतबार से उस लेवल पे लाने के लिए क्या उम्मीद नज़र आती है कि हम एजुकेशन में खर्च करें, इन्वेस्ट करें, तो किस शोबे में करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को फ्रोग दे करके डेवलप कंट्रीज के लेवल पे लाए. और क्या हमें ऐसा टैलेंट नज़र आता है? अगर नहीं नज़र आता है तो G20 ग्रुप में हिंदुस्तान कहाँ पर रहेगा एजुकेशन के ऊपर. अनदर क्वेश्चन रिफर्स टू मिस विवियन थॉमस. एज यू मेंशन दैट US has been doing well in the education sector and there is great opportunity for students from third world countries. Yeah. But we have experienced in the past, recent past, that the foreigners and Indians were also victim of several attacks during Trump period. And in future, it is expected that Trump may come back. Can you give us some assurance that the students who visit from here to US, they will be secure in their education sector, as well as after having education over there, many students do expect that they get settled over there. Yeah. So that they stay back and okay. Start working. So how far we can expect that the security of Indians as well as the third world people from third world countries? Thank you. Another question to Najam Sahab. चूँकि अभी रशिया के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही थी और अभी यूक्रेन वार की वजह से रबल के एतबार से बहुत ज़्यादा नीचे है रशिया और इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं. दूसरी तरफ रशिया ने जो एक प्रेसिडेंट दिया है कि वो बाहर के मुल्क पे हमला कर रहा है, यूक्रेन पे हमला हुआ है, उसकी वजह से ग्लोबली रशिया को एक तरह से यूँ कहा जाए कि साइडलाइन कर दिया जाता है, जबकि वो चाइना से अपने रिलेशन डेवलप करके किसी न किसी तरह से अपने आप को ट्रैक पे लाना चाह रहा है. जब इस तरह का एग्रेसिव एटीट्यूड डेवलप कर रहा है वर्ल्ड में, तो एजुकेशन की फील्ड में रशिया कहाँ तक कोऑपरेट कर सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया. There is no guarantee that anyone in the United States is safe
as long as we have our gun problem that we have. So I'm going to start with that right now. We have our schools, we have children being shot, and of course, as we know, there is racism all over the world, and the U.S. is not excluded from that. However, I would think that at places of higher learning, we kind of go past a lot of that ignorance, and that we're able to take a person on his or her merit, as opposed to where they're coming from in the world. That is my prayer anyway. I don't know exactly if you'd be as safe. I think an Indian student would be as safe as an American student in a U.S. institution. Because sadly, as I mentioned, we have a big gun problem in my country. Very big gun problem. And it interferes with the safety of our students, regardless of race, ethnicity, nationality, etc. So I hope that answers your question as best as I could, based on what I know. Very straight. Very true. Professor Amila Sahib. Yeah, yeah. Bridhiye job. Also the first one that you can answer on the future areas. Future, me or him? Okay. And the future, what? The future areas in higher education. Little bit on AI. अच्छा, so देखिए आप, रूस जो यूक्रेन पर अटैक किया है वो बहुत ही गलत बात है. लेकिन मैं बाद में आपसे शायद बात कर सकूँगा स्टेट से. वजूहात क्या थे, उनका नज़रिया क्या है. और इस तरह के जो सैंक्शंस इम्पोज हो रहे हैं रूस पर, ये बढ़ते जाएंगे अगर, तो ये फिर वो जो कोल्ड वॉर का ज़माना होगा उस तरह का हो जाएगा, राइट. और जब फिर वो बंद आयरन कर्टन के पीछे जाकर फिर उनका कोऑपरेशन विद द होल वर्ल्ड और ओपननेस, वो सब बंद हो जाएगी, राइट. तो ऑब्वियसली, और जो नेशनल के साथ जुड़े हैं, जैसा इंडिया का भी अभी रवैया ठीक है उनके साथ, वो लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी होगी उनके पास जाने और पढ़ने और इंटरेक्ट करने और, राइट. लेकिन वैसे तो मसला होगा, लेकिन उनका इशू ये है कि नेटो आर्मीज जो उनके करीब तक आ रहे हैं वो अपने सिक्योरिटी के बारे में कंसर्न है, और ये मसला है. और तो फिर G20 कंट्रीज़ का जो एजुकेशन में है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से मिलकर साथ बढ़ेंगे, आगे जाएंगे. और इसमें इस किस्म के अगर सैंक्शंस इम्पोज होंगे किसी कंट्री पे, तो ये ऑब्वियसली ठीक नहीं रहेगा उसका. मैं उसके साथ ही देता हूँ. प्रोफेसर आमिला साहब की तजवीज़ ये है, और प्रोफेसर अब्दुल समी सिद्दीकी साहब भी अब ये चाहते हैं कि हमारा जो डिक्लेयर टाइम था वो मुकम्मल हो रहा है, इसलिए दो तीन सवाल जो भी बाकी रहेंगे वो एक साथ बता दें. प्रोफेसर आमिला साहब एक साथ जवाब दे दें हम सब. सबसे पहले आप जी. Thank you so much, sir. It's a very wonderful discussion related to the education in G20 countries. Actually, my question is related to the entire issue of privatization and commercialization of education. It's a very huge issue, and it's very slightly mentioned in the discussion. And my question is slightly a kind of observation also. This goes to Ms. Vivine. In 1780s, there was a debate, a huge debate related to curriculum in USA, that let's bring God back into the school. So there was a huge, actually, protest against the Darwinian theories of evolution of, the humanity or religion. So this is the rightist forces. You know, these are the pervasive rightist forces in the education system, those actually claim for, you know, bringing religion into the curriculum. That's actually happening in India today. So there was a debate about that. And then there is another, like the neoliberal state. Professor Amirullah also mentioned about it slightly, but you know, this the countries like USA and the countries like Britain, they're also witnessing this huge commercialization. They are going through voucher systems. They are actually giving this, the states actually increasing this private sector.
So Michael Apple actually captured these issues very vividly, and Patricia Brush also wrote about this, that there are three forces. One is the rightist forces, second is the neoliberal state, and third is the apathy of the middle class. And these conjointly, damaging the very, what actually Professor Mahmood talked of, this, the aim of education, those values in education. And we are actually becoming very much oriented to this commodification of education. So thank you. You may reflect on this. It's just my opinion. Okay. So anybody who knows a democracy as the U.S., well, we're actually a republic, the United States, but we fall under democratic principles, needs a good public school education. If you want to remain democratic or a republic, you must have a good education that is not slanted in one way or another. And as you know, we have separation of church and state, which I am all for, because I don't want my religion put upon somebody else, and I don't want their religion put upon me. I think we need to respect our differences and leave it outside of the classroom. That is my personal experience and my personal input. The Democratic Party in the United States tends to favor public school education funded by taxpayers. They are anti, or not necessarily anti, but they're against the privatization of education for the very reasons we mentioned, because they do go against democratic principles. Now you're feeding a philosophy into the people, which may be good for some people, but not good, I think, for democracy in general. Now remember, I'm coming from a Western mindset, so please bear with me as I mention this. The Republican Party, however, wants to have privatization more so that they can have their Christian values put into the school, regardless whether you're Muslim, whether you're Hindu, whatever the case may be, Hindu, atheist, you name it. In a democratic society, we need to have a public school education that separates religion from the state. That's my personal opinion, and one that I believe the United States democratic rules fall under right now, and I hope it stays that way. Yeah. सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है तो पार्ट टाइम के तौर पे जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाती है तो मैं एज ए ट्यूटर इंग्लिश ट्यूटर पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाया हूँ। तो आप लोगों की बात से एक बात ये समझ में आई कि जो G20 है इसके अंदर बुनियादी मकसद एजुकेशन का है, एजुकेशन के मसाइल हल होना है। तो मैं जब पढ़ाने के वक्त में जो मसला मेरे सामने पेश आया वो ये है कि जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा टीचर्स की तरफ से वो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। अब एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उसके अंदर एक बात का ये भी मेंशन है कि मादरी ज़ुबान के अंदर ये एजुकेशन देना चाहिए। तो इंडिया के एलीट पीपल, जहां हम, मैं हैदराबाद का ही हूँ, एलीट पीपल इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। अरे वो क्या बेजा, वो बेहसियत बात कर रहे हैं आप, जब हमारा बच्चा बाहर जाएगा तो उसको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी। जी, और दूसरी बात ये पूछना चाह रहा था मैं कि अगर ये मादरी ज़ुबान में पढ़ाया जाएगा तो इसको क्या एक्सेप्ट किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया, ये बात जी। और बुनियादी तौर पे हम, मैं जब इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ यहाँ पे, तो हमारी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक का उर्दू में मवाद नहीं है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आकिफ फैदर है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, PhD स्कॉलर। सवाल प्रोफेसर मीना साहब ने अपने तस्करे में बताया ये पर्पस ऑफ एजुकेशन, तो मैं तीनों से पूछना चाह रहा हूँ कि पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए आज के दौर में। और दूसरी बात, इन इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन की बात की तो आप तीनों के नज़दीक क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि इन इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन को दूर की जाए। और तीसरी बात, मुल्क की अच्छाई की बात की आपने, तो आप तीनों के नज़दीक अच्छाई का क्या क्राइटेरिया है वो बताएं। शुक्रिया जी, जी। हाँ भी, बोलो बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर, जैसे अभी हम लोग एजुकेशन के मुताबिक बात कर रहे हैं तो
जैसा कि आमिर सर से और महमूद सर से मेरा सवाल ये है, आमिर सर ने एक चीज़ मेंशन ये किया था कि हम विश्वगुरु के मुतालिक हम बात कर रहे थे, तो हम अभी ये क्लेम कर रहे हैं कि हम विश्वगुरु बन चुके हैं, लेकिन सर हमारा हाल ये है कि हमारे यहाँ स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रहे हैं, स्कूल तो बंद हो रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ का हाल ये है कि हम फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन रोक दे रहे हैं, तो सर ऐसा क्यों हो रहा है और इस फील्ड में हम क्या कर सकते हैं? और दूसरी चीज़ ये कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हमारे यहाँ, तो लोग हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर में तो स्कूल और कॉलेजेस मौजूद हैं, गर्चे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, फिर भी लोग प्राइवेट की तरफ क्यों जा रहे हैं सर? शुक्रिया। और कोई जी? मेरा भी एक सवाल है, ये एजुकेशन G20 कंट्रीज़ की बात चल रही है, तो अगर एक स्टूडेंट इंडिया से अगर बाहर जाना चाहता है तो एक इंडियन स्टूडेंट में जो इंडियन कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता है वो, और इसके अलावा एक फॉरेन में जाके स्टूडेंट स्टडीज़ हासिल करता है, तो दोनों के दरमियान क्या फ़र्क रहेगा और बुनियादी तौर पे प्रैक्टिकल फील्ड में प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों लोग किस तरह का एक रोल निभाएंगे, क्या फ़र्क होगा, क्या बड़ा कर सकता है बाहर पढ़ने वाला और जो फ़र्क है वो? ज़रूर ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जैसे G20 के अंदर जो दो ट्रैक बनाए गए हैं, फाइनेंस ट्रैक और शेरपास ट्रैक, तो जो शेरपास ट्रैक है वो अर्बन एरिया और रूरल एरिया के जो एजुकेशन सेक्टर्स हैं उन दोनों के तालीम के फ़रोग में क्या उनके जो एक्सपर्ट हैं वो क्या अपना ओपिनियन रखते हैं, जो शेरपास के एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात करें? जी देखिए, जिस तरीके से आपके सवाल सामने आए हैं मैं समझता हूँ कि पैनलिस्ट इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि मुख्तसर अंदाज में जो प्रोफेसर अब्दुल्ला साहब आप शेयर करना चाहेंगे। पहली चीज़ चूँकि मैं मानों से हूँ और आप बात कर रहे थे मादरी जबान में सिखाने में एजुकेशन हासिल करना, और फिर आप जब बाहर जाएंगे तो क्या होगा, ये एजुकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा, लोग मानेंगे या नहीं, तो आपने देखा होगा कि मानों में हम उर्दू जबान में समझाते हैं लेकिन आपको मेन स्ट्रीम करने की कोशिश करते हैं, जैसा मैथमेटिक्स में भी शुरू में तो हम कहेंगे इस मसावात से हम ये हासिल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इक्वेशंस इम्प्लाई ये कर जो इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है उस पर लाते हैं जी। तो हमारा हर डिपार्टमेंट में शायद यही होता है होगा कि हम समझा रहे हैं आपको उर्दू में ताकि आप वो आसानी से समझें, आपको वो अंग्रेज़ी का जो बैरियर होता है उसके आगे आपके सवाल भी जो होते हैं आप पूछते हैं अपने उस जबान में जो आपको ज़्यादा आसानी से आती है, और फिर हमारी कोशिश ये है कि आपको मेन स्ट्रीम करना और आपको टेक्नोलॉजी किताबें जैसा आप बता रहे हैं फ़िलहाल इकोनॉमिक्स के हों या साइंसेस के हों ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड किताबें हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल होती हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में होते हैं वही बुक्स प्रिस्क्राइब हैं, तो आप ऑन पार हैं उनके वही लेवल के हैं, इसीलिए जो हमारे बच्चे निकल रहे हैं वो बहुत आसानी से एडजस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि हम शुरू तो समझाते तो हैं उर्दू में लेकिन जो अंग्रेज़ी के भी टर्मिनोलॉजी और जार्गन है वो उससे भी हम आपका वाकिफ करते हैं, तो कई हमारे स्टूडेंट्स हैं जो गए हैं पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, चेन्नई, हर जगह, और वो बिल्कुल आराम से मास्टर्स या PhD प्रोग्राम कर रहे हैं बगैर कोई। मुख्तसर बिल्कुल, थैंक यू फॉर ऑल द क्वेश्चंस। पहला सवाल, क्या हमारे पास सलाहियत है? बहुत है। अगर आप देखिए कि पिछले दिनों में जितने बड़े मसले दुनिया की टेक्नोलॉजी सेक्टर में आए वो किसी ना किसी तरह से हमने ही पूरे किए। वो Y2K का मसला था, आप में से जो IT वाले लोग हैं वो जानते हैं कि इंडिया से ही हज़ारों बच्चे गए, उन्होंने ही उसको हल किया, लेकिन हमारा जो लेवल था वो नीचे का लेवल था। अब हमें चाहिए कि हम अगले लेवल पे जाएं। हमने जो बेसिक छोटी मोटी प्रोग्रामिंग, छोटे मोटे मसले, छोटी मोटी डिबगिंग वो सिखाई बच्चों को, क्योंकि हमारे पास लड़के लड़कियां बहुत हैं, ज़हीन हैं, आसानी से पढ़ा सकते हैं उनको, तो सलाहियत तो बहुत है। मसला सिर्फ ये है कि हमारे पास ना उस लेवल के पहुंचने की जस्तजू है, ना ये यकीन है कि पढ़ाई में का रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, और ये ये पूरी हमारी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में देखिए आप, शायद उसकी वजह ये है कि हमारे ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडर पढ़े लिखे नहीं हैं, इस वजह से
पढ़ाई की वैल्यू नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर ने एक बार कहा था कि मुझे हार्ड वर्क चाहिए, हार्वर्ड नहीं चाहिए। वो इस बात की दलील है कि आपको, कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हार्वर्ड इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन क्यों है, और वो फिर हर जगह फैल गया है। तो सलाहियत तो ज़रूर है, अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो वहाँ हम पहुँच सकते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटी की मैं बात, आखिरी सवाल जो था कि बाहर जाके क्या पढ़ते हैं, देखिए 1980 तक उस्मानिया यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन होता था फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। देवबंद में 1970 में तकरीबन 6000 स्टूडेंट फॉरेन स्टूडेंट थे। हमने उसके बाद एक अजीब पॉलिसी इख्तियार की कि ये बाहर के स्टूडेंट नहीं आएंगे, हम वीज़ा नहीं देंगे। ये नाइजीरिया से आते हैं तो ये तो ड्रग बेचते होंगे, ये सूडान से आते हैं तो इनको हम ये गड़बड़ करेंगे। हम ये भूल गए कि एजुकेशन की का बुनियादी उसूल डाइवर्सिटी है, कि मेरी क्लास में जितने मुख्तलिफ लोग बैठे हों उतनी अच्छी पढ़ाई होती है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो फॉरेन एजुकेशन सिर्फ ये नहीं कि हम बाहर जाएँ, बाहर वाले भी हमारे पास आए, उसी से अच्छी एजुकेशन होती है। हम आपको एनकरेज करते हैं कि आप अमेरिका जाइए, यूरोप जाइए, इस वजह से नहीं कि वहाँ की यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी होगी, है, लेकिन ये कि आपको एक नया एक्सपीरियंस मिले। उसी तरह से जब लोग इंडिया आएंगे, कोई यहाँ पढ़ेगा मौलाना आज़ाद में, वो चाहे अमरीका से आए, चाहे इंग्लैंड से आए, चाहे जापान से आए, एक अलग पहलू मिले, एक अलग फैकल्टी मिलेगी, एक अलग पीयर ग्रुप मिलेगा, उसी से पढ़ाई होती है, उसी से दायरा बढ़ता है एजुकेशन का। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप में से जितने लोग जा सकते हैं, जितनी दूर, वो हदीस भी है, आप जितनी दूर जा सकें उतनी दूर जाइए। उसकी एक वजह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा होगा वो। ये बात कि प्राइवेट एजुकेशन को क्यों प्रेफर करते हैं लोग, इसका बड़ा साफ साफ आंसर है। आप बहुत ही गरीब लोगों से पूछें इंडिया में, अगर अब आप सबसे गरीब आदमी से पूछिए कि अगर मैं आपको 100 रुपये ज़्यादा दे दूँ, आपकी तनख्वाह 2000-2500 रुपये है और हम आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं, इस 100 रुपये का आप करेंगे क्या? तो उमूमन जवाब ये आता है कि मैं अपने लड़के को गवर्नमेंट स्कूल से निकाल के 100 रुपये वाले स्कूल में डाल दूँगा। वो बहुत ही थर्ड क्लास स्कूल होता है 100 रुपये वाला, लेकिन फिर भी वो सरकारी स्कूल से बेहतर होता है। वो 200 रुपये दे दीजिए, वो थोड़े और अच्छे स्कूल में। तो वो जस्तजू तो है, और इस वजह से प्राइवेट एजुकेशन, क्योंकि हमारा मेयार पब्लिक एजुकेशन का बहुत गिर चुका है, क्लासेस नहीं होती, और ये उस बात में जाहिर होता है कि अब हम नई एजुकेशन पॉलिसी में ये इख्तियार कर लिया हमने कि अब हम बंद करने लगेंगे स्कूलों को, हम क्लस्टर कर देंगे स्कूलों को। हमें स्कूल में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए, कम से कम 20 बच्चे हों जिससे स्कूल की पड़तल बनी रहे। यू नो, अगर एजुकेशन को भी हम इस तरह से करें तो फिर तो यही होगा। हमें तो वो स्कूल चलाना चाहिए जहाँ पर एक स्टूडेंट, जब तक एक स्टूडेंट हो वो स्कूल चले, क्योंकि मकसद ये नहीं है कि हज़ारों क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, मकसद तो ये है कि हर बच्चा पढ़े। हमें हर वो हॉस्पिटल चलाना चाहिए जहाँ एक पेशेंट आता हो। तो हमने वो बदल दिया है अपनी सोच, उस वजह से बड़ा मसला हो गया है। आखिरी बात ये कि पर्पज़ क्या होना चाहिए एजुकेशन का। देखिए, एजुकेशन का पर्पज़ एक का बड़ा क्लियर पर्पज़ है, खुसूसन हायर एजुकेशन का, कि पर्पज़ वो है कि हमको कैसे हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ाए, कैसे हमको ज़िंदगी भर के लिए स्टूडेंट रखे, कैसे हम में ये जस्तजू पैदा करें कि हम और पढ़ते रहें, और तहकीक करें, और आगे बढ़ें। पर्पज़ एजुकेशन का इज़ मोर एजुकेशन, पर एजुकेशन का पर्पज़ कभी ख़त्म ही नहीं होता। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, तो वो पर्पज़ है। नौकरियाँ तो ऐसी मिल जाती, आप पढ़ते रहिए हर मरहले पर आपको नौकरी मिल जाती, लेकिन पर्पज़ ऑफ एजुकेशन is to be better citizens, is to be more responsible citizens, is to be a better country. Shukriya. Bahut bahut shukriya, jazakallah. Isse pehle ke CPDMT ke zimmedar yahan tashreef laaye aur izhar tashakkur kare, chand ek kalimat main aapke samne rakhna chahta hu. Sabse pehli baat to ye ke Professor Abdul Samid Siddiqui sahab ne mukammal inke sare ke sath ye baat kahi ki ye dusra program hai. सही देखा जाए तो फॉर्मल प्रोग्राम्स में वो तो इनॉग्रेशन था, और पहले इवेंट में से ये मैं समझता हूँ कि सबसे पहला इवेंट है जो CPDMT ने ऑर्गेनाइज़ किया। तो प्रोफेसर अब्दुल समीद सिद्दीकी साहब डायरेक्टर की हिस्से से, और उनके रुफ़ाकार जनाब डॉक्टर मिज़बान ज़र साहब और डॉक्टर मोहम्मद अकबर साहब, हम तमाम के और यूनिवर्सिटी की मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने इनिशिएटिव किया और पहले प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्लीज़ गिव ए बिग हैंड फॉर दैट। दूसरा
दूसरी बात यह है कि जिस मौजू का इंतखाब किया गया एजुकेशन इन G20 कंट्रीज, उसके लिहाज से बहुत सी मुनासिब रिसोर्स पर्सन का गेस्ट का इंतखाब किया गया और वो हमारे सामने रहे और उन्होंने हमारे सवाल के जवाब दिए। मैं समझता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत ये मुबाहसा रहा, बहुत अच्छी गुफ्तगू सामने आई, बहुत अच्छे निकास सामने आए और इसमें एक बड़ा रोल जो है आप लोगों ने अदा किया, इसलिए आप लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आखिरी बात मुझे ये कहनी है कि किसी भी डायलॉग से, पैनल डिस्कशन से, प्रोग्राम से, सेमिनार से, कॉन्फ्रेंसेस से गुफ्तगू का सिर्फ आगाज़ होता है, गुफ्तगू अपने इख्तिताम पर नहीं पहुँचती है, तो इसको आगाज़ समझिए। इस तरह की गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहना चाहिए और यूनिवर्सिटी में इस तरह का तालीम माहौल बना रहना चाहिए, इसी से क्वालिटी बनती है और उसका कोई नेमल बदल नहीं है। आपने कहा कि आखिर अल्टीमेट हल क्या है, तो जैसे कहा जाता है कि नक्श हैं सब ना तमाम खूने जिगर के बग़ैर, नक्श हैं सब ना तमाम खूने जिगर के बग़ैर, नगमा है सौदाए खाम खूने जिगर के बग़ैर। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इन्हीं कलमात के साथ मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ डॉक्टर मिज़बान सर साहब। शुक्रिया सर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। यकीनन ये मरकज़ पेशावर नाफरोग बराए असातज़ाए उर्दू ज़रिए तालीम के लिए एक नए बाब का आगाज़ है, मुबाहिसा का ये सिलसिला शुरू हुआ है। आप लोगों के ताउन से इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। शुरू में हमारे सेंटर ने, सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ उर्दू मीडियम टीचर्स ने 7 रियासतों के उर्दू ज़रिए तालीम के असातज़ा पे काम शुरू किया, तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ किया, उर्दू ज़रिए तालीम और उर्दू की सूरत हाल पर गुफ्तगू की, फिर हिंदुस्तान की सतह पे उर्दू की सूरत हाल, उर्दू ज़रिए तालीम की सूरत हाल पे तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। यह पहला वाक़या है जो बैनुल अक्वामी सतह पे G20 कंट्रीज़ में 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन कंट्रीज़ में मुख्तलिफ ममालिक, यानी दर्जनों ममालिक में तालीमी सूरत हाल पर मुबाहिसे का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। इसको कामयाब बनाने के लिए मैं आप तमाम लोगों का फर्दन फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आखिरी मरहला है। मैं सबसे पहले रब्बुल करीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे पहले मुबाहिसे को कामयाबी से हमकिनार किया। फिर यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ को प्रोफेसर शेख ऐनुल हसन साहब का शुक्रिया, वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब रजिस्ट्रार मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का शुक्रिया, और अथॉरिटीज़ के दूसरे लोग हमारे OSD 1 प्रोफेसर शगुफ्ता मैडम, OSD 2 प्रोफेसर मोहम्मद सिद्दीकी साहब का शुक्रिया, ख़ास तौर पर हमारे तीनों रिसोर्स पर्सन्स का बेहद शुक्रिया जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत ये प्रोग्राम, ये मुबाहिसा कामयाबी से हमकिनार हो रहा है। मैं सबसे पहले प्रोफेसर अमीरुल्लाह खान साहब का नाम लेना चाहूँगा। सर के तवस्सुत से हम एक बैनुल अक्वामी रिसोर्स पर्सन से पहले भी इस्तेफादा कर चुके हैं, अगर आपको याद है सर, वर्ल्ड लर्निंग की एक रिसोर्स पर्सन के साथ हमने यहाँ 3 प्रोग्राम किए थे। हमारे यूसुफ साहब मुस्कुरा रहे हैं, आपका भी उसमें तवस्सुत था। तो इंशाल्लाह तमाम लोगों का ताउन रहा तो हम इसी तरह तरक्की के मराहिल तय करते रहेंगे। मैं प्रोफेसर नजमुल हसन सर का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ कि यहाँ सिर्फ बहस का आगाज़ हुआ है। हमारे डॉक्टर जावेद नदवी साहब से आपने वादा किया है कि ये गुफ्तगू का सिलसिला आप बाद में भी जारी रखेंगे, तो इस बात पे हमें वाकई इत्मीनान भी है और ख़ुशी भी है। मैं मोहतरमा VVS थॉमस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक इंटरनेशनल रिसोर्स पर्सन की हैसियत से हमारे CPDMT में तशरीफ़ लाई और अपनी पुरमक्स गुफ्तगू से लोगों को फैज़याब किया, इस्तेफादा का मौका दिया। मैं तमाम हाजिरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम डीन्स का, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, DSW, डीन एकेडमिक्स, तमाम डीन्स, तमाम सीनियर असातज़ा कराम, हमारे साथी नए असातज़ा, तमाम रिसर्च स्कॉलर्स, फर्दन फर्दन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने डायरेक्टर का प्रोफेसर अब्दुलसमी सिद्दीकी का ख़ास तौर पर शुक्रिया कि आपकी क़यादत की वजह से ये नया बाब का शुरू हुआ और इंशाल्लाह ये बाब यही ख़त्म नहीं होगा बल्कि ये आगाज़ है। इस तरह के सिलसिले वार प्रोग्राम हम इंशाल्लाह मुनक़िद करते रहेंगे। मैं CPDMT के तमाम साथियों का, डॉक्टर अकबर का और IMC के तमाम साथियों का, ख़ासतौर पर डॉक्टर जनाब रिजवान साहब का और तमाम हमला का फर्दर फर्दर शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस किसी ने भी ताउन दिया है हमें, अगर किसी का नाम छूट रहा हो तो फर्दर फर्दर तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। ये प्रोग्राम का आखिरी मरहला था, मुबाहिसा का आखिरी मरहला था। इसके साथ ही मैं अच्छा महमूद सिद्दीकी साहब का इससे ज़्यादा शुक्रिया दे रहा हूँ कि ये हमारे तमाम प्रोग्रामों में रीढ़ की हड्डी है। वाह 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 वाह। एक तो आप हमारे डीन हैं
और दूसरा ये कि आप हमारे तमाम प्रोग्राम में रिसोर्स पर्सन रहते हैं. आपने हमें यकीन दिलाया है कि जब आपका कोई रिसोर्स पर्सन किसी वजह से ना आ पाए तो आप बिना तामून उससे रब्ता कायम कीजिए. इससे हमें सोचने बेफिक्री रहती है कि सर तो नहीं. तो मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया. मुबारसा तो यही इकराम को पहुँचता है. मैं आखिर में मैं उन 20 खुश नसीबों का नाम लेना चाहूँगा जिनका नाम कुरान अंदाजी में एक एक अदद टैप में आया है. तो मैं उनका नाम लूँगा और आप हमसे ये टैप हासिल करके शुक्रिया का मौका दें. 20 श्रोता हैं. शुक्रिया तमाम श्रोता का और 20 खुश नसीबों को एक एक अदद टैप से हम नवाजेंगे. क्या है कैप की डिजाइनिंग यूसुफ खान साहब की है. उनका खास शुक्रिया. मैं सबसे पहले मिनाजुद्दीन जो सबसे पहले यहाँ के हाजिर थे आए यहाँ मिनाज साहब आइए. हमारे डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड ओएसडी प्रोफेसर मोहम्मद सिद्दीकी साहब से कैप हासिल करें. इसके बाद सरफराज अख्तर साहब तशरीफ लाए. कॉमर्स के हैं. What am I getting a hat? You just sign somewhere. Sahiba Naz Sahiba hai. Aayi, Tashi bhai. Salu. Inke baad Wasim Amin saab taiyar hain. Aayi. Itra ko hamare deep professor Mohammad Siddiqui saab kehte hain. Wasim Amin saab tashi bhakte hain. Main Nasir Azad saab hai paaya hai. हमारे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी स्कूल यूनियन के सदर यहाँ तशरीफ रखते हैं. यहाँ आइए. आप पूरा अंदाजी में आपका नाम हमने खास तौर पर चीनी घर पे डाला. गुलनाज परवीन तशरीफ लाए. गुलनाज परवीन नहीं है. नसीम अख्तर साहब तशरीफ लाए. मोहम्मद सईदुद्दीन साहब है तो तशरीफ लाए. Thank you. Junaid Ahmed Sahib Tashreef Laaye. Junaid. Inke baad Mohammad Sujat Sahib Tashreef Laaye. Ghulam Abbas Sahib Tashreef Laaye. Mohammad Tamish Tashreef Laaye. Abrar Ghazi Tashreef Laaye. रुपया तशरीफ लाए. मोहम्मद आदिल हुसैन तशरीफ लाए. मोहम्मद अजहर तशरीफ लाए. आसिम अख्तर है तो तशरीफ लाए. आसिया सुल्ताना है तो तशरीफ लाए. नासिर आजाद है. लाजमी नाज हैं. राशिद फैसल साहब हैं. मोहम्मद राशिद, जीशान अकरम, मोहम्मद यूनिस, अबरार गाजी, तबस्सुम परवीन, हिना कौसर. अच्छा, लेकिन 20 खुश नसीबों तक हम कैंप पहुंचाने की कोशिश करेंगे और गालिबन शुक्रिया की रस्म से पहले वो चले गए होंगे. शुक्रिया. थैंक यू सो मच. सो नाइस. माय नेम इज आमिर.